नमस्कार, NIOS के योग आसन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वज्रासन के बारे में, वज्रासन की विधि, उसकी सावधानियाँ और उससे होने वाले लाभ के बारे में। सबसे पहले सीखें वज्रासन की सावधानियाँ। वज्रासन में घुटनों पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, इसलिए अगर घुटना कड़ा है या घुटने में कोई परेशानी है तो यह आसन नहीं करना चाहिए। जिनके भी पैर या जंघा ज़्यादा मोटी हो, बैठने में इस आसन में अगर परेशानी हो तो उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। जिनको वेरिकोस वेन्स की शिकायत है, जिनकी नसें नीली और मोटी हो गई हैं पैर के अंदर, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। ये वेरिकोस वेन को और ज़्यादा की परेशानी बढ़ा देता है। तो अब जानते हैं वज्रासन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सीधे बैठ जाएं, पैरों को आगे फैला लें, सीधा, पीठ सीधी, फिर धीरे धीरे एक पैर को पीछे मोड़ेंगे, फिर दूसरे पैर को पीछे की ओर मोड़ेंगे और अपने एड़ियों के बीच में बैठेंगे। हमारा जो बड़ा अंगूठा है, जो पैर की उंगलियों में जो सबसे मोटा अंगूठा है, उन दोनों को सटा के रखेंगे और एड़ी बाहर की ओर, उनके बीच में बैठेंगे। दोनों हाथ ऐसे जंघाओं पे, पीठ सीधी और हमारा छुट्टी जमीन के समांतर, आंखें सामने। धीरे धीरे इस पोज में हम आंखों को धीरे धीरे बंद करेंगे और अपने सांस पे ध्यान देंगे। ये है वज्रासन करने की विधि। इस आसन को सबसे ज़्यादा ये आसन हम खाने के बाद करते हैं, जिससे हमारे पाचन शक्ति बहुत बढ़ती है और हमारे पाचन में बहुत सहायता होती है। पर आइए देखें इससे होने वाले लाभ के बारे में। वैसे देखें तो वज्रासन के बहुत सारे लाभ हैं, पर हम यहाँ कुछ जो महत्वपूर्ण लाभ हैं उनके बारे में बताएंगे। यह आसन ध्यान के रूप में भी, जब आप प्राणायाम या ध्यान लगाते हैं, जैसे हम सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं, यह आसन ध्यान, प्राणायाम या त्राटक करने के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है। इस आसन को करने से हमारी पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। पाचन शक्ति के अलावा वज्रासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। यह खाने के बाद करना तो बहुत ही अच्छा है, यह खाली पेट भी किया जा सकता है। तो ये समय नहीं देखना है, जब भी आप कर सकते हैं वज्रासन, वज्रासन में बैठ जाइए। इससे आपके शरीर के को मजबूती तो मिलती है, आपके बैक को, आपके मेरुदंड को, आपके रीढ़ को मजबूती मिलती है, आपका पाचन शक्ति अच्छा रहता है, आपके पैरों में खून का संचरण कम हो जाने से, रक्त का संचरण कम हो जाने से खून का संचरण शरीर के ऊपरी भागों में ज़्यादा होता है, जिससे मस्तिष्क को शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ता है, सजगता बढ़ता है और आप किसी भी चीज़ में अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं। और वज्रासन से सांसों को बेहतर बनाया जा सकता है। बेहतर से मतलब है कि इस आसन के अभ्यास से हम सांसों को योग स्वरूप बना देते हैं। धन्यवाद।